हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने का खीर। इसको बनाने में हमें 10 मिनट लगता है। ये देखिए, एक कटोरी हम साबूदाना लिए हैं। सबसे पहले हम साबूदाना भिगो देंगे 5 मिनट तक। देखिए, हमारा साबूदाना भीग चुका है। 5 मिनट हमारे साबूदाने को हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे किसी छलनी से। साबूदाने के लिए दूध हम पहले से उबाल लिए हैं। दूध को हमें कच्चा नहीं लेना है साबूदाने में। एक चम्मच हम यहाँ पे घी डालेंगे मेवे को भूनने के लिए। मेवा को हम भून रहे हैं, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। लो फ्लेम पे रखना है, गैस हमारा बहुत ज़्यादा नहीं फैल रहेगा। एक चम्मच घी डाल के हम साबूदाना को भूनेंगे। साबूदाना हम डाल के इसमें 2 मिनट तक भून लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। साबूदाना हमारा भून चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद दूध में अब हम साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना हमारा अच्छे से पकने लगेगा। अभी इसको हमें चलाते रहना है। साबूदाने को हमें चलाते रहना है, साबूदाना हमारा नीचे से पकड़े ना। गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे। खीर को अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट बाद में। तब हम चलाएंगे इसको फिर से। ये देखिए, हमारा साबूदाना बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। हम चीनी लिए हैं, 4 चम्मच चीनी लिए हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी ले सकते हैं। साबूदाने में अब हम मेवा डालेंगे। ये देखिए, हमारा साबूदाना बनके अब तैयार हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।